बिथरी चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे सीएमओ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज खबर। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के अंतर्गत आने वाले सबसे चर्चित ब्लॉक बिथरी चैनपुर से आ रही है, जहां पर बिथरी चैनपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने सीएमओ पहुंचे और उन्होंने कोविड 19 के संबंध में जरूरी जानकारी सीएचसी प्रभारी डॉक्टर मयंक मिश्रा को दी। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा सीएमओ एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर मयंक मिश्रा ने। संवाददाता राजा हसन की खास रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल एबीपी 9 न्यूज, हर खबर आप तक। 30 तारीख को मैंने सीएमओ का चार्ज लिया। पहले मैं जिला चारों अधिकारी था जी, तो जनरल इंस्ट्रक्शन तो आया था इसको गाइड करने के लिए कि कैसे वर्किंग करनी, कैसे काम करना है आपको जी आगे, और क्या क्या इसके पास कमियां हैं उनको नोट करने आया था, जो मैं पूर्ति करा सकूँ और जो चीज जो हमारी योजनाएं चल रही है उनको कार्यान्वयन कैसे मेरे करना अच्छा करने कर पाएंगे आप, ये बताने आया था। एक कोविड वैक्सीनेशन का हमारा कार्यक्रम चल रहा है, उसके लिए थोड़ा विजिट करूँगा अभी, इनके कहाँ पे वैक्सीनेशन कराएंगे और वो जगह व्यवस्था सही है नहीं चाहिए, यदि कोई कमी होगी तो उनको गाइड करके बजाना है, तो इसीलिए आया था। और सर इसके अलावा और कहीं निरीक्षण है? नवाबगंज से करके आया था अभी। अच्छा, नवाबगंज का बिथरी खस्ते में था, यहाँ भी कर लिया। अच्छा, तो गाइड मतलब कोई नोटिफिकेशन क्या देना चाहेंगे कोविड को लेकर? कोविड को लेकर तो यही कहना है कि भाई सब लोग मास्क लगाए और अपना दूर दूर रहे एक दूसरे से, एक दूसरे की तरफ को खड़े होकर बात ना करें, जब भी बात करनी हो साइड में खड़े होकर बात कर लेंगे तो यदि कोई बात मुंह से निकलेगा भी इन्फेक्शन तो आपको नहीं लगेगा दूसरे आदमी को, और ज़्यादातर तो यही सब दूर दूर रहे, भीड़ भाड़ से बचें जाने से, और टुकड़ों में अपना काम करें बाहर निकल के, जिससे कि भीड़ कम लगे, एक जगह इकट्ठे ना हो, कहीं जरूर टाइप का कोई सत्संग वगैरह भी हो रहा तो दूरी मेंटेन करके रखें, वही बचाव है अभी, तो जब वैक्सीन आ जाएगी तब देखेंगे। अभी तो हेल्थ केयर वर्कर डॉक्टर को लग रही है वैक्सीन केवल, बाद में दूसरे फेज में तीसरे चौथे फेज में जाके लगेगी जनरल पब्लिक को बचने के लिए, तब तक तो उन्हें वही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना है, इसका ध्यान रखते हैं। निरीक्षण था आपके यहाँ तो? देखिए सीएमओ साहब का निरीक्षण हम लोगों को दिशा निर्देश देने के लिए था, वो अभी नवनियुक्त सीएमओ हुए हैं और यहाँ पर पहला विजिट था उनका, बाकी उन्होंने दिशा जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, कोविड को लेके कुछ निर्देश दिए हैं और कैसे गांव के क्षेत्रों में किस तरीके से आशा और एएनएम को कार्य योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना है या कराना है उसके निर्देश उन्होंने दिए हैं, बताया है कुछ अपने तरीके से कार्य को कैसे सुधारा जा सकता है और अच्छा किया जा सकता है, ये सब उन्होंने बताया। तो मैं समझता हूँ कि उनके जैसा भी उन्होंने बताया है उस हिसाब से हम लोग योजना बना करके कार्य करेंगे आगे। अच्छा, कोविड को लेकर कुछ विशेष? कोविड को लेकर देखिए विशेष कुछ नहीं है, सैम्पलिंग वगैरह करते रहना है बराबर अभी, और बिना सैम्पलिंग के अस्पताल में प्रवेश नहीं करने दिया जाए, और बाकी जितने सस्पेक्ट हैं उनको ट्रेस किया जाए, सैम्पलिंग कराई जाए ज़्यादा से ज़्यादा। टीकाकरण को लेकर क्या कहेंगे सर? टीकाकरण हमारे यहाँ का उन्होंने मतलब हमारा एवरेज चल रहा है और कैसे उसको बेहतर किया जा सकता है उसकी योजना उन्होंने अपने तरीके से बताया समझा, तो उस पर कार्य करेंगे और दे और अच्छा करेंगे कुछ। दवाई को स्टॉक के लिए क्या कहेंगे जो दवाइयाँ नहीं मिल पाएंगी? दवाइयाँ जो नहीं है जो मिल पाएंगी तो उन्होंने बता दिया है जिले पर और कह दिया है कि अगर नहीं मिल पा रही है तो आप मुझे सूचित कर दें इस बारे में, तो मैं पूरी वो करूँगा कि दवाइयाँ उपलब्ध करा सकें।